गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज गांव आया हुआ हूँ, ये ट्रैक्टर हमारा चल रहा है। ये सुबह मैंने हल वगैरह सारे चलाए थे, तो अब कज़न है वो ट्रैक्टर चला रहा है। सुबह मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि एक बंदा था, तो फिर या तो ट्रैक्टर चलाता और या वीडियो बनाता, तो फिर वीडियो नहीं बना सका। इसलिए अभी अब कज़न आया है, तो इसको मैंने कहा यार आप चलाओ ये रोटावेटर। तो हल तो मैंने चलाए हैं काफ़ी, 7, 6.5, 3.5 एकड़ तकरीबन। तो अब ये ट्रैक्टर रोटावेटर मार रहा है, हमने राया काश्त किया है, तो इस चक्कर में ना मैंने कहा चलो अब वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको, आप ये ना कहें कि यार वीडियो नहीं देता। ये सामने धूप है इसलिए माइंड नहीं करना, और जूम करके मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हूँ, ये अब दूर की वीडियो होगी। अभी आप नज़दीक आता है तो फिर वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ज़मीन की कंडीशन देखें, ये रोटावेटर के साथ है, ये देखें ज़बरदस्त यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये राया काश्त किया है तो इसलिए फिर ये रोटावेटर मारना भी ज़रूरी था। सामने सूरज होगा तो आप दोस्तों ने माइंड नहीं करना, ये गाड़ी की आवाज़ चेक करें। आवाज़ चेक करें, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है यार माहौल। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यार, ट्रैक्टर चलाया फिर ज़मीनों में और माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल के साथ। मैं तो इतना चलाया कभी नहीं, आज मैं अब शौक़ पैदा कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर चलाने का। तो मैंने कहा यार शौक़ हो ताकि पता चले कि ज़मींदार बंदे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी सही। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करिया तरह की आगे भी ज़िंदगी रही तो अच्छी से अच्छे परफॉर्मेंस आपको दिखाएँगे इस मामले के बारे में, क्योंकि मैंने पहले कभी चलाया ही नहीं यार। अब आके शौक़ पैदा हुआ है इस चीज़ का, तो इंशाल्लाह रूटीन बाय रूटीन आपको वीडियो भी दिया करेंगे। अब जिस तरह कहीं ना कहीं जाए तो फिर साथ साथ वीडियो दिया करेंगे। अभी कज़न आ गया ना, दूसरा ट्रैक्टर निकालना है तो वो हल चलाने हैं, फिर उसके साथ थोड़ी सी वीडियो आपको वो भी साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आप ये ना कहें कि यार इसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, आप फजूल ही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये नहीं है यार, मैं चला सकता हूँ ट्रैक्टर, सिर्फ एक शौक नहीं था और कोई बात नहीं इस चीज़ की। तो इंशाल्लाह जिस तरह भी अब चलता रहेगा तो आपको दिखाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी वीडियो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के साथ। एक वो ऊपर बांदर भी बैठा हमारा, जीने दो वो कहता है जी, हमने कहा जियो भाई। ये रोटी वेटर जा रहा है, ये ज़मीन की कंडीशन बन रही है रोटी वेटर के साथ। पहले ये हल चलाए हैं वो, उसकी ये कंडीशन है हलों की, और अब ये रोटावेटर जो वो मार रहे हैं इसके साथ। ये दांज खड़ा है, हमारे हमसाए हैं उनका खड़ा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम मैं अभी आपको अपना भी दिखाऊंगा कैसा दांज शांज है। गर्मी की वजह से भाई पसीना आया हुआ है, तो आप दोस्तों ने ये नहीं कहना कि इसका रंग कैसा है या पसीना साफ़ नहीं कर रहा, क्या करें गर्मी है तो इस वजह से। अब हालाँकि शाम 4 बज गया, मौसम ऐसा है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब माहौल नज़र आ, गर्मी सी महसूस हो रही है। आप तो खैर तरीत के साथ रहा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक हक हलाल की रोज़ी दे यार। आगे दूसरा ट्रैक्टर निकालते हैं, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलो जो हल्का फुल्का है, क्योंकि पहले मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ना मैं अकेला बंदा था, तो ट्रैक्टर चलाता या ये वीडियो बनाता तंगी होती है यार, इसलिए फिर मैंने वीडियो शीडियो नहीं बनाई। चलते हैं यार दूसरा ट्रैक्टर निकालते हैं, वो भी आपको साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं। मट्टी देखें रोटावेटर की यार, इसको तो हम पंजाबी में बगले कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाइट वाइट जो परिंदे फेर रहे हैं
इनको क्या कहते हैं, हम तो इनको बगले कहते हैं जी। जीने दो भाई जीने दो। मिट्टी देखने यार, दूसरा ट्रैक्टर शुरू हो रहा है। तेरी खैर हुए कौन सी अच्छी बात।